हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न स्पॉटिंग रस के कुछ क्वेश्चंस, और ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। इसमें एक सेंटेंस में आपको दो पार्ट में एक ग्रामेटिकल एरर को देखना होता है, और उसके बाद जो कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका आंसर होता है। तो इस वीडियो क्लास में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इन 10 क्वेश्चंस में आप एक काम कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को पहले आप खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो ये वीडियो क्लास SBI PO और SBI क्लर्क एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, एक ये क्वेश्चन आपके सामने है, और आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको खुद सॉल्व करें पहले, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। यहाँ से पढ़ते हैं, वंस द जॉय अबाउट इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। देखिए, इंडियाज़ इसमें किसकी बात हो रही है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की। ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है ये किसका है? ये इंडिया का है, ठीक है, इंडियाज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इंडिया के अंदर इसमें जो अपोस्ट्रफी एस लगा है ये सही है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल में अपोस्ट्रफी एस लगाना सही नहीं है, क्योंकि एडवांसमेंट क्या है? एक नाउन है, और इस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है इस एडजेक्टिव से, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब है एडवांसमेंट रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पर अपोस्ट्रफी एस लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी आपका ये जो पाथ है ये आपका ग्रामेटिकल रॉन्ग पाथ है, ये ए पाथ आपका इसमें हो गया रॉन्ग। इन द रैल्म ऑफ मिसाइल्स, मतलब इन द एक्टिविटी, रैल्म का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ, एरिया ऑफ एक्टिविटी, कोई भी क्षेत्र, ठीक है। इन द रैल्म ऑफ मिसाइल्स हैज सेटल्ड डाउन, परहैप्स अटेंशन कैन शिफ्ट टू द मच बिगर चैलेंज ऑफ। अब देखिए, ऑफ एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन जो है ये अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। तो यहां पर हम बोलेंगे सस्टेनिंग, ठीक है। तो यहां पर हम बोलेंगे सस्टेनिंग, यानी एक डी पार्ट में भी इसमें एरर है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ए और डी, ठीक है। तो ऐसे इन इन क्वेश्चंस को करना है। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पहले खुद इसको सॉल्व करें, उसका आंसर निकालें। द न्यू मिंटेड टर्म ग्रीन क्रैकर्स। क्रैकर्स होते हैं पटाखे जो दिवाली पर हम चलाते हैं, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स मतलब जिनसे पॉल्यूशन नहीं होता, उसकी इसमें बात हो रही है। तो एक शब्द आया है, एक नया शब्द आया है, ग्रीन क्रैकर्स, ठीक है, और इसने हेडलाइंस को कैप्चर किया है, ठीक है। हेडलाइन इसकी बनी है, इट ग्रैब्ड हेडलाइंस, बट डाउट्स रिमेन अबाउट इट्स। देखिए, इसको शुरू से डिस्कस करते हैं। द न्यू मिंटेड टर्म, मिंटेड का मतलब होता है कि इसको कॉइन किया गया है, इसको बनाया गया है, टर्म को बनाया गया है। तो टर्म क्या है? अपने आप में एक नाउन है। मिंटेड एक एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव से पहले आपको क्या चाहिए? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन सा वर्ड करता है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ठीक है। तो यहां पर आप बोलेंगे द न्यूली मिंटेड टर्म, द न्यूली मिंटेड टर्म, यानी ये जो पार्ट है ये पार्ट हो गया आपका गलत, ठीक है। आगे देखते हैं, ग्रीन क्रैकर्स ग्रैब हेडलाइंस बट डाउट्स रिमेन। डाउट्स देखिए प्लूरल है यहां पर, तो रिमेन यहां पर सही है, ठीक है। बट डाउट्स रिमेन अबाउट इट्स, लेकिन इसके बारे में, इसके इसकी किस चीज के बारे में डाउट है? अब देखिए, इट्स का मतलब होता है इसका। जैसे यदि मैं बोलूं कि इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स, तो इट्स एक पजेसिव केस है और ये अपने बाद नाउन लेता है। तो इफेक्टिव और प्रैक्टिकलिटी अपने आप में नाउन नहीं है। प्रैक्टिकलिटी नाउन है लेकिन इफेक्टिव नाउन नहीं है, इफेक्टिव एक एडजेक्टिव है। तो इफेक्टिव का जो नाउन फॉर्म है वो या तो आप इफेक्टिवनेस बोल सकते हैं या एफिकेसी बोल सकते हैं आप। तो ये पार्ट भी आपका गलत हो गया, ठीक है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा AD, और AD दिया है फोर्थ पार्ट में, यानी यहां पर आपका आंसर होगा 4, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा वीडियो क्लास ये एंड तक आप देखिए। बिफोर द इंटरनेट इफ यंग पीपल कम्युनिकेट, आई थिंक इंटरनेट के पहले की इसमें बात हो रही है। बिफोर द इंटरनेट इफ यंग पीपल, तो यहां पर हो सकता है इफ यंग पीपल कम्युनिकेटेड, यहां पर हो सकता है इफ यंग पीपल कम्युनिकेटेड
थ्रू देयर स्पीच, मतलब इंटरनेट के आने से पहले यदि यंग लोग कम्युनिकेट करते थे अपनी स्पीच के थ्रू, नाउ दे डू थ्रू देयर फोन्स, और अब वो ऐसा करते हैं फोन्स के थ्रू। लेकिन इसमें एक वर्ड यहाँ पर मिसिंग है। यदि आप इस सेंटेंस को बोले हैं नाउ दे डू, लेकिन अब वो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं ये मिसिंग है। तो कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, नाउ दे डू सो, नाउ दे डू सो, यहाँ पर सो वर्ड और आएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक तो आपका ये बी पार्ट में गलती हुई, क्योंकि बिफोर द इंटरनेट यानी पास्ट टेंस की इसमें बात हो रही है। तो एक तो ये जो पार्ट है इसको हम चेंज करेंगे कम्युनिकेटेड, और एक हम यहाँ पर लिखेंगे सो, यानी बी और डी पार्ट में इसमें गलती है, और बी और डी दिया है सेकंड में, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। और यदि बैंक पीओ और बैंक क्लर्क एग्जाम के लिए आप हमारे ई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां से इन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल इंग्लिश सेक्शन के लिए। और इसको यदि आप सीरियसली फॉलो करते हैं तो प्री में आप 30 में से 25 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं, और सेम सिचुएशन रहेगी आपकी मेंस एग्जाम में, क्योंकि इसमें हम रियल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पर मेरे नंबर्स दिए हैं, उनसे आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन आ कंपेटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है, इन आ कंपेटिटिव इन्वायरमेंट ईच प्रोजेक्ट डिमांड्स, ईच सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर एस आया है, लेकिन इसमें ए बी सी डी का डिमार्केशन नहीं है। ईच प्रोजेक्ट डिमांड्स अ न्यू अप्रोच, सो यू कीप डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स एंड दैट इज वेयर लर्निंग हैपेंस। अब देखिए यहाँ पर कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये सही है, न्यू थिंग सही है, एंड दैट इज वेयर लर्निंग हैपेंस। इन ए कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की बात हो रही है, और एनवायरनमेंट एक जगह का नाम है, एक स्पेस होता है एनवायरनमेंट, तो इसलिए यहाँ पर हमने बोला है दैट इज वेयर, प्लेस के लिए हम वेयर लगाते हैं, तो ये सेंटेंस सही है और इसमें आपका आंसर होगा नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद इसको सॉल्व करें, और इससे आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। द सेलियंट, सेलियंट क्या होता है, व्हाट इज सेलियंट? सेलियंट फीचर्स जैसे हम बोलते हैं, सेलियंट फीचर का मतलब एक इंपॉर्टेंट फीचर, एक नोटिसेबल फीचर, मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर। ठीक है, तो इस ऑफ के बाद, ऑफ के पहले हम नॉर्मली क्या रखते हैं? जैसे यदि मैं यहाँ पर लिखूँ बुक, अ बुक ऑफ राम, तो ऑफ से पहले मैंने किस चीज़ को लिखा? ऑफ से पहले मैंने नाउन को लिखा, तो यहां पर नाउन आना चाहिए एक्चुअली। द सेलियंट एक्चुअली एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन फॉर्म होगा द सेलियंस, द सेलियंस ऑफ स्पेस। ये गलत है यहां पर, द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस, द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस, सेलियंस सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर आएगा इस, यानी एक तो इसमें ए में गलती है और एक आपका बी में गलती है, तो इसमें आपका आंसर होगा सेकेंड, ए और बी इसका आंसर होगा। द सेलियंस ऑफ स्पेस इन डिफेंस इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट ऑल थ्री कंट्रीज, यूएस, चाइना एंड रशिया, हैव सेट अप स्पेस कमांड्स। मतलब डिफेंस में स्पेस का जो इंपॉर्टेंस है, स्पेस का जो प्रोमिनेंस है, वो एविडेंट है, वो क्लियर है, वो ऑब्वियस है इस फैक्ट से कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे सॉरी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे यूएस, चाइना एंड रशिया, इन्होंने स्पेस कमांड्स इनको अपॉइंट किया है, इनको सेटअप किया है। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ए बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, और आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करें। चलिए यहां से मैं पढ़ता हूं, इन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नॉट ओनली इम्प्रूव्स, स्कीम सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर एस सही है, नॉट ओनली इम्प्रूव्स इनकम्स ऑफ वर्कर्स बट ऑल्सो हैज़, नॉट ओनली के बाद वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब है इसमें, तो ये सही है, मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। ठीक है, हम ऐसे इफेक्ट की बात कर रहे हैं जो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देता है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट सही है यहाँ पर, इफेक्ट्स एक्चुअली नाउन है और ये है एडजेक्टिव, मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है,
यदि यहां पर आप मल्टीप्लाइंग लगाएंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत होगा, क्योंकि मल्टीप्लाइंग का मतलब होगा ऐसे इफेक्ट जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि हमें ऐसे इफेक्ट की बात बारे में बात कर रहे हैं जो किसी चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है और इसका आंसर होगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सिंस मोर देन 100 ईयर्स नाउ, देखिए सिंस हम कब लगाते हैं, सिंस हम लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फॉर हम लगाते हैं ड्यूरेशन के लिए, तो 100 ईयर्स एक ड्यूरेशन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर सिंस गलत है। फॉर मोर देन 100 ईयर्स नाउ, तो एक तो इसमें ए गलत हो गया। साइंटिस्ट एंड राइटर्स ऑफ साइंस फिक्शन अलाइक, साइंटिस्ट एंड राइटर ऑफ साइंस फिक्शन अलाइक हैव होप्ड दैट समडे ह्यूमन काइंड विल हैव अ वेपन सो टेरिबल दैट द फियर ऑफ इट्स इम्पैक्ट विल एंड वॉर फॉर ऑल टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि ऑल अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है तो ऑल टाइम्स ये होगा एक्चुअली। तो एक डी में गलती है और एक ए में गलती, ए डी इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, तो एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन यानी जो इमेजिनेशन पर आधारित है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो इंस्टीट्यूशन हाउ एवर हाई इंक्लूडिंग द ज्यूडिशरी शुड इंसुलेट वन सेल्फ फ्रॉम इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर नो इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी इंस्टीट्यूशन हाउ एवर हाई, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है, ये हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। नो इंस्टीट्यूशन चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी हाई हो, तो हाई क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को हम मॉडिफाई करते हैं एडवर्ब से, तो ये तो इसमें सही है, लेकिन हाउ एवर यहाँ पर सही नहीं है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस बोल रहा है कि नो इंस्टीट्यूशन हाउ एवर हाई इट मे बी, चाहे ये कितना भी हाई क्यों ना हो, तो इट मे बी तो है नहीं यहाँ पर, तो इट मे बी चूंकि है नहीं इसलिए हाउ एवर यहाँ पर ये गलत है। या तो आप बोलिए हाउ एवर इट मे बी और हाउ एवर हाई इट मे बी, और हाउ एवर हाई इट मे बी यदि नहीं बोल सकते तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं हाउसो एवर। ठीक है, हाउसो एवर का वही मतलब निकलता है कि हाउ एवर हाई इट मे बी इन वॉट एवर मैनर, तो वो भी हाउसो एवर भी एक एडवर्ब है, तो हाउसो एवर यहाँ पर सही वर्ड होगा, हाउ एवर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत वर्ड है। ठीक है, तो एक तो आपका ये पार्ट गलत हो गया यानी बी पार्ट गलत हो गया, और एक देखते हैं इंक्लूडिंग द ज्यूडिशरी शुड इंसुलेट वन सेल्फ नहीं आएगा, यहाँ पर ज्यूडिशरी की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे इट्स सेल्फ। ठीक है, वन के बाद वन सेल्फ आता है, वन वन शुड रिस्पेक्ट वन सेल्फ इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर तो हम जुडिशरी की बात कर रहे हैं, वन पहले नहीं आया है तो इसलिए यहाँ पर वन सेल्फ होगा, यहाँ पर होगा इट सेल्फ। तो एक आपका बी और एक डी गलत हो गया इसमें, यानी आपका आंसर होगा इसमें बी डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसको पहले आप खुद सॉल्व करें। स्टडीज हैव, स्टडीज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम, तो ये हो जाएगा शोन, यानी एक तो ए पार्ट इसमें गलत हो गया। बिल्डिंग रोड्स एंड अदर हार्ड सर्फेसेस एब्जॉर्ब सही है यहाँ पर, क्योंकि सर्फेसेस प्लूरल है तो एब्जॉर्ब भी प्लूरल होगा। एंड स्टोर हीट वेयर एज वेजिटेशन, वेजिटेशन कैसा है सिंगुलर या प्लूरल, वेजिटेशन सिंगुलर है तो यहाँ पर हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट्स यहाँ पर, यानी ए और डी पार्ट में इसमें गलती है, तो इसमें आपका आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद द डिमांड ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर चेंजिंग, मतलब इंडस्ट्री की डिमांड और सर्विस सेक्टर की डिमांड चेंज हो रही है एट सच ए रैपिड पेस, बहुत फास्ट रैपिड पेस पर वो चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स नीड टू बी शार्प एंड चूज अ करियर वाइजली, मतलब चूंकि इंडस्ट्री की डिमांड चेंज हो रही है, सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट को शार्प होने की जरूरत है और एक ऐसा करियर ऑप्शन, एक एक करियर ऑप्शन को वाइजली चूज करने की जरूरत है। विद द डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर चेंजिंग एट अ सच ए रैपिड पेस, यहाँ तक ये सही है, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसलिए नीड इसमें सही है,
नीड टू बी शार्प एंड चूज अ करियर. चूज यहाँ पर एक वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई किया है इस एडवर्ब ने. ये सेंटेंस सही है और इसमें आपका आंसर होगा नो एरर. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है. इसमें मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं. आप कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरह के क्वेश्चंस की आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि आप SBI PO और SBI क्लर्क की घर बैठे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तैयारी कर सकें. लेकिन लेकिन कमेंट में मुझे लिख के आपको बताना होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आप चाहते हैं. बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस यदि आप चाहते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पर. और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट में लिख के बताइए और उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाऊंगा. और यदि आप हमारा प्रोफेशनल कोर्स ई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. और 80% तक आप इंग्लिश सेक्शन में स्कोर कर सकते हैं, प्री में, मेंस में, GDPI में और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में. तो इस वीडियो क्लास में इतना ही. अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में. थैंक यू.